अच्छा, विजिट वीज़ा के काफ़ी लोगों ने मेरे से बात पूछी कि विजिट वीज़ा के क्या आई मीन विजिट वीज़ा इन टर्म्स ऑफ के जो आप यहाँ पे टेम्प्रेरी बेसिस पे जो वीज़ा होता है उसकी फोर टाइप्स हैं। एक है सर्विस वीज़ा, एक है ट्रांजिट वीज़ा, एक है विजिट वीज़ा, एक है टूरिस्ट वीज़ा। जो सर्विस वीज़ा है वो 14 डेज के लिए होता है और वो जब इशू करता है कोई तो उसकी वैलिडिटी भी 14 डेज के लिए होती है, ठीक है। इट मीन विद इन 14 डेज आप उसको यूज़ कर सकते हो। और उसके लिए यहाँ की आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें सच कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं, बस सर्विस वीज़ा है। आप आ गए 14 डेज के लिए और उसके बाद आपने अपना काम जो भी देखा। फिर है ट्रांजिट वीज़ा। ट्रांजिट वीज़ा 96 आवर्स के लिए होता है, इट विच मीन्स 4 डेज के लिए, और उसकी वैलिडिटी भी 14 डेज होती है, यानी कि आपने जब इशू कराया वो वीज़ा तो उसको आपको यूटिलाइज करना है विद इन 14 डेज। और उसकी रिक्वायरमेंट्स ये है कि उसके लिए आपकी बैंक की होटल की कन्फर्म रिजर्वेशन होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। देन आपको वो इशू होता है, देन आपको आपको वो एयरपोर्ट इमिग्रेशन से आने देते हैं। देन आ जाते हैं टूरिस्ट वीज़ा। टूरिस्ट वीज़ा जो है वो आपको जो टूर ऑपरेटर्स जो होते हैं या होटल मैनेजमेंट आपको इशू कर सकती है, यानी कि वो स्पॉन्सर हो सकते हैं आपके। और उसके जो इशू हो जाते हैं तो उसकी वैलिडिटी भी 60 डेज के लिए होती है, विच मीन्स वो वीज़ा आप 60 डेज के अंदर अंदर यूटिलाइज करके UAE आ सकते हो। और देन होता है विजिट वीज़ा। विजिट वीज़ा भी आपको UAE का कोई रेजिडेंट, ठीक है, वो स्पॉन्सर करें, या अगेन कोई कंपनी और या आपको कोई होटल स्पॉन्सर करें। इसमें होटल का टूरिस्ट में और टूरिस्ट और विजिट वीज़ा में, बिकॉज़ ये दोनों 90 डेज के लिए भी होते हैं और 1 मंथ के लिए भी होते हैं, इसके लिए होटल की स्पॉन्सरशिप भी ज़रूरी है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि आप विजिट कर रहे हो, टूर कर रहे हो। जो मोस्टली हम पाकिस्तानी और इंडियन के लिए जो वीज़ा आता है हम तो उसको बोलते हैं कि विजिट वीज़ा, बट उसके ऊपर लिखा हुआ होता है टूरिस्ट वीज़ा, विच मीन्स कि किसी कंपनी ने ट्रैवलिंग जो टूरिस्ट वो है यानी कि स्पॉन्सर है। और टूरिस्ट स्पॉन्सर कौन होता है? ट्रैवलिंग एजेंसी। तो जो वीज़ा ट्रैवलिंग एजेंसी के थ्रू आता है, ठीक है, वो टूरिस्ट वीज़ा उसके ऊपर लिखा हुआ होता है, क्योंकि उसका जो स्पॉन्सर होता है वो हमारा टूर जो ऑर्गेनाइज़र होता है या जो टूर प्रोमोटर होता है वो होता है। और टूर ऑर्गेनाइज़र और टूर प्रोमोटर कौन होता है? ट्रैवलिंग एजेंसी। तो और हम भी ट्रैवलिंग एजेंसी के थ्रू कराते हैं। मैं अगर कोई मुझे डॉक्यूमेंट सेंड करता है कि मेरा विजिट वीज़ा वो कराओ, प्रोसेस कराओ, तो उसके लिए भी यही वो हैं रिक्वायरमेंट्स हैं जो टूरिस्ट वीज़ा के जो मैंने बताया कि टूरिस्ट वीज़ा बोलते हैं हम उसको, विजिट वीज़ा हैं और लेकिन वो एक्चुअली टूरिस्ट वीज़ा होता है। विजिट वीज़ा भी हो सकता है सेपरेट, लेकिन उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बैंक गारंटीज़ होती हैं, आपका कोई यहाँ पे स्पॉन्सर होना चाहिए UAE का रेजिडेंट जो आपको स्पॉन्सर करे, ठीक है, और वो जाके उसमें फिर ट्रैवलिंग एजेंसी की सर्विसेज ना हो तो वो फिर विजिट हो वीज़ा होता है, उसमें मैं रिस्पॉन्सिबल होंगे। लेट सपोज मैंने गारंटी दी होगी, मैंने पैसे दिए हुए होंगे जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसको। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, ट्रांजिट वीज़ा और सर्विस वीज़ा का क्लियर हो चुका होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल है कि मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।